नमस्कार, जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे देश में नवरात्रि महापर्व चल रहा है। ये 9 दिन हम लोग पूरी श्रद्धा भाव से माता के चरणों में रहते हैं, उनकी पूजा भाव करते हैं और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम बहुत सारी कन्याओं को भोजन भी करवाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे देश में सही मायने में कन्याओं को, देश की बेटियों को सम्मान मिल पाता है? क्या वो लोग सही मायने में देश में सुरक्षित है? भोजन करवाने के लिए हम लोग तो कन्याओं को ढूंढते हैं, लेकिन उसी कन्या को माँ के पेट में उसके जन्म लेने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। और अगर वो जन्म ले भी लेती है तो उसको समाज में वो सम्मान नहीं मिलता। कोई पूछता भी है तो बोलते लड़की हुई। वो आदमी ऐसा उदास हो जाता है जैसे 4-4 फ्लैटों का किस्त भर रहा हो। लेकिन वो व्यक्ति ये बात क्यों भूल जाता है कि उसको भी पृथ्वी पर लाने वाली कोई माँ ही है, उसको भी जन्म देने वाली कोई माँ ही है। माँ समूचे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली है। इस पूरे संसार का आज जो इतना बड़ा स्वरूप है वो केवल और केवल किसी माँ के कारण ही है। लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। आज हमारे देश में जितने भी वीर योद्धा हुए, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वीर भगत सिंह हो, चाहे और भी कई वीर योद्धा हुए, कहीं ना कहीं उनको जन्म देने वाली कोई माँ ही है। कहा जाता है एक लाइन कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। याद रखिए, आज हमारे देश में जितने भी लोग हैं, शायद ही कुछ परसेंट को छोड़ के, जो होंगे तो होंगे शायद, नहीं तो जिन्हें अपनी माँ से प्यार नहीं, सबको अपनी माँ से बेपनाह प्यार रहती है। लेकिन बात जब अपनी बेटी की आती है, जब बेटी के अधिकारों की बात आती है, तो उसको वो सम्मान नहीं मिलता है। बेटी अगर कहीं बोल के जाती है, अगर वो 10 मिनट लेट हो जाती है तो उसे 100 प्रश्न करते हैं, लेकिन वही बेटा अगर आपका 1 घंटा लेट हो जाता है तो आप उससे 1 भी प्रश्न नहीं करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि बेटी को आप पूरी तरह से फ्रीडम दो, लेकिन उसको इतना फ्रीडम तो कम से कम मिलना चाहिए कि उसको उसकी जिंदगी बोझ ना लगे, उसको उसकी जिंदगी प्रेशराइज ना लगे और वो कभी भी भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम ना उठाए। अगर आप अपने बेटे को भी अगर ढंग से रखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी की बेटी सुरक्षित होगी, कहीं ना कहीं कोई समाज सुरक्षित होगा। हाथरस की घटना के बाद मैंने एक मैसेज पढ़ा था, शायद किसी ने भेजा था, कि उसमें बोला गया था कि राम मंदिर बनाकर ही क्या करोगे जब हमारे देश में सीता ही सुरक्षित नहीं है। शायद उनका उनके हिसाब से सोचना सही रहेगा जिन्होंने इस मैसेज को बनाया। लेकिन मैं उनको ये इतना बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को राम के आचरण में ढाल लोगे तो हमारे देश में कहीं भी कोई सीता असुरक्षित ही नहीं होगी। आप अपने अंदर थोड़े से भी हनुमान के गुण लाएंगे तो यकीन मानिए कि कहीं भी कोई रावण किसी स्त्री को, किसी नारी को उस पर गलत दृष्टि डालने से पहले 100 बार सोचेगा और उसकी रूह तक कांप जाएगी। लेकिन हमारे समाज में आजकल एक फैशन सा चला है, एक ट्रेंड सा चला है, किसी भी लड़की के साथ अगर गलत होता है तो जस्टिस फॉर करके शांत हो जाते हैं। लेकिन आज तक किसी को भी सही मायने में, कुछ परसेंट को छोड़ के, किसी को भी जस्टिस नहीं मिलता है। पता नहीं ऐसा क्यों, बस हम लोग बोलते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, जस्टिस बोल के चिल्ला के शांत हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की को, उस औरत को, उस महिला को इंसाफ नहीं मिलता है। हमारे समाज में ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा नियम बनना चाहिए कि लड़की या कोई महिला कहीं भी आराम से आ जा सके, बिंदास आराम से, स्वतंत्र रूप में, और उसको कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की असुरक्षित महसूस न हो। आप अपने घर के लड़के को, चाहे अपने भाई को, ये शिक्षा पहले दीजिए कि वो कहीं भी जाए तो महिला का सम्मान पहले करे, चाहे वो खुद की बहन हो, चाहे वो दूसरे की बहन हो, चाहे वो खुद की माँ हो, चाहे दूसरे की माँ हो, सम्मान सभी के लिए बराबर होना चाहिए। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आपको ये चीज मजाक लग रही है, लेकिन ये चीज जब आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको इसमें एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण दिखाई देगा। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं जस्टिस, लेकिन सही मायने में अगर आप लोग अपने घर से शुरुआत करेंगे तो यकीन मानिए हमारा देश एक नए राह की ओर अग्रसर हो जाएगा। आज देश में जितनी भी लड़की और महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी लड़के के परिवार की परवरिश की कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है। यकीन मानिए, आप इस चीज को लॉजिकली सोचिए। और इस चीजों को हमारे नेता लोग बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। किसी लड़की के साथ अगर गलत हो जाए तो उसके लिए अपनी पॉपुलरिटी दिखाने के लिए, सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए आ जाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं लड़की के परिवार को, और बाद में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे मानो ईद का चांद हो गए हो। लेकिन उस लड़की को इंसाफ मिले या ना मिले, इसके लिए वो तनिक भी विचार नहीं करते हैं।
इसीलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अपनी बेटियों को आप रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनाइए, अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग इत्यादि सिखवाइए ताकि समय आने पर वो अपनी सुरक्षा कर सके। उनको एक ऐसी चमचमाती हुई तलवार बनाइए जिसके ऊपर अगर किसी ने गलत निगाह भी डाली तो उसको उसकी गर्दन जमीन पे मिले। बस यही मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को मोरनी नहीं बल्कि शेरनी बनाइए ताकि जिसकी एक दहाड़ से बड़े बड़े गिद्धों का झुंड शांत हो जाए। बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में इसी तरह सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।